हरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् ईशु पंच नमो यारो सब पावक पणासन मंगलाणं च सर्वेषिं देवादिदेव तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी पर्यषण पर्व की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर देव दश लक्षण धर्मों की जो पूजा लिखी गई है उसके लेखक कौन है पंडित ज्ञानत राय जी जिन्होंने प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जी वो पूजा लिखी और पूजा में आप सब जानते हैं कि प्रथम स्थान उत्तम क्षमा द्वितीय उत्तम मार्ग तृतीय उत्तमार्जन और चतुर्थ स्थान पर उत्तम सत्य की पूजा और आपने ये भी देखा कि कई साधु कई त्यागी कई विद्वान आज चौथे दिन उत्तम शौच पर व्याख्या करते हैं। तो अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि पहले सत्य था बाद में शौच हो गया। फिर पंडित जी यहां बाजू से बोल रहे थे कि तत्वार्थ सूत्र में पहले शौच आता है उस अपेक्षा से पहले शौच पर व्याख्यान हो जाए। पर हम तो
दोनों को गलत नहीं मानते। तत्वार्थ परंपरा से अपन देखें तो फिर नवम अध्याय में संवर के प्रकरण में जो दश धर्मों वाला सूत्र है वो सूत्र इस प्रकार है, उत्तम क्षमा मार्गवाजन शौच सत्य संयम तपस्या किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उस सूत्र में आचरण के पश्चात शौच धर्म का उल्लेख है और तत्वार्थ की समस्त टीकाओं का, चाहे सर्वार्थ सिद्धि जो सबसे प्राचीन टीका है वो, चाहे तत्वार्थ वार्तिक, चाहे तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार, तत्वार्थ वृत्ति, दोनों तत्वार्थ वृत्तियां, इन सब संस्कृत टीकाओं में उत्तम शौच का वर्णन पूर्व में है। फिर पंडित ज्ञानंद राय जी ने या विद्वानों ने या अन्य किन्हीं आचार्यों ने पहले उत्तम सत्य को क्यों रखा होगा, इसके कोई प्राचीन प्रमाण या कोई ऐसे शास्त्रोल्लेख हो तो बात सरलता से अपन अपने हृदय में बैठा सकते हैं। तो इसका समाधान ये है कि आचार्य कुंदुकंद स्वामी का नाम आपने सुना, जिन्होंने समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, अष्टपहर, नियम सार आदि कई ग्रंथों की रचनाएं की। आचार्य कुंदुकंद स्वामी ने 12 सड़ुवेखा नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें 12 रूपरेखाओं का वर्णन है और 12 रूपरेखा के वर्णन में मुनि धर्म का वर्णन करते हुए उन्होंने एक गाथा दी है कि मुनि धर्म के 10 भेद हैं, श्रावक धर्म के 11 हैं। मुनि धर्म के 10 भेदों को ही 10 धर्म कहते हैं, क्षमा माधव आदि। और श्रावक धर्म के 11 भेद कौन से हैं कोई बता सकता है? श्रावक धर्म के जो 11 भेद या 11 सीढ़ियां हैं वो 11 प्रतिमाएं कहलाती, आज वर्तमान में उसको 11 प्रतिमा कहते हैं। आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने उनको 11 पद कहा था, आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने उन 11 प्रतिमाओं को 11 स्थान कहा था, श्रावकों के 11 स्थान। और आचार्य कुलकर्णी स्वामी ने श्रावकों के ये 11 श्रावक धर्म के ये 11 भेद बताए, पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं और 11वीं जिस प्रतिमा में हम हैं अभी, हमारी जो अवस्था है ये 11वीं प्रतिमा की अवस्था कहलाती है। क्षुल्लिका जी भी 11वीं प्रतिमा में होती है और ऐलक महाराज भी 11 प्रतिमाधारी होते हैं। और मुनि धर्म के जो 10 भेद हैं उनमें आचार्य कुंदुकुंद स्वामी ने 12 सड़ुवेखा ग्रंथ में 4था स्थान उत्तम सत्य धर्म का रखा है। तो आप जो भी सुनना चाहो आप सुन सकते हैं, उत्तम सत्य या उत्तम शौच, उत्तम सत्य ठीक है। कुछ लोग उत्तम हमारे पर निर्भर है, चलो बड़ी अच्छी बात है, पर निराशा की कोई बात नहीं है, जो चीज आज नहीं मिलेगी वो कल मिल जाएगी, एक दिन का ही मामला है, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो फिर आज हमने प्रारंभ में जो 3 जयकार लगवाते हैं हमेशा उसमें पर्युषण पर्व की जय होती है, क्योंकि अभी निश्चित नहीं था ना, तो अब चलो उत्तम सत्य धर्म की। सत्य यह जो शब्द है इसका निर्माण सत शब्द से होता है, सत से सत्य बनता है, सतो भाव कर्म वा सत्यम। सत का जो भाव होता है या सत की जो परिणति होती है उसका नाम सत्य है।
अब सत क्या है और असत क्या है इसको समझना आवश्यक है। अब चूंकि सत का परिचय बहुत मुश्किल है, सत सर्वपरिचित नहीं है, सब जानते हैं कि सत कोई वस्तु है, सत्य कुछ है, पर अनुभव में कम आता है, अनुभव में असत्य का व्यवहार ज्यादा चलता है। इसलिए पहले अपन ये देख लें कि असत क्या है। तो असत शब्द के चार अर्थ होते हैं, ये स्मरण में रखने योग्य बात है। असत शब्द के चार अर्थ होते हैं। पहला तो, और ये वचन संबंधी बात है, एक परम सत्य होता है जो मौन में प्राप्त होता है और जो वचनों की सीमा से भी ऊपर होता है, वो अलग होता है, और एक ये सत्य होता है जो वचन व्यवहार से संबंध रखने वाला है, ये अलग होता है। वैसे मुनियों के जीवन में वाणी संबंधी चार बातें, पहले तो मुनि जीवन भर के लिए असत्य बोलने का त्याग कर देते हैं, उसका नाम है सत्य महाव्रत। मुनि जीवन में सत्य के चार प्रकार है। पहला तो सत्य महाव्रत है, और दूसरी स्थिति ये बनती है कि जब मुनि बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, असत्य का तो त्याग कर दिया, वो सत्य महाव्रत हो गया कि हम जीवन में कभी ना असत्य बोलेंगे, ना किसी और से बुलवाएंगे, और ना असत्य बोलने वाले का समर्थन करेंगे, ना किसी प्रकार से नहीं करेंगे, तो ये सत्य महाव्रत हो गया। और दूसरी स्थिति जो होती है मौन धारण करने की, अथवा अपने किसी से बातचीत ना करते हुए कोई सूत्र पाठ कर रहे हैं, प्रतिक्रमण पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो जो स्थिति है वो कहलाती है वचन गुप्ति। ये सब मुनि जीवन में ही होते हैं, विचारों भेद। फिर एक तीसरी स्थिति होती है कि जब साधु सभी के साथ बातचीत करते हैं, सभी के साथ, कोई अच्छा आदमी आ जाए उससे भी बातचीत करेंगे, कोई चाय कॉफी सिगरेट पीने वाला आ जाए उससे भी बातचीत करेंगे, कोई और भी किसी प्रकार का व्यक्ति हो उससे साधु बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करते समय कुछ सावधानी रख करके बातचीत करेंगे। वो हितकारी वचन ही बोलेंगे, सीमित शब्दों में बोलेंगे और मधुर वाणी में बोलेंगे। ये जो साधु के जीवन में एक वाणी संबंधी भेद है, इसका नाम है भाषा समिति। क्या नाम है? भाषा समिति। कौन सी तीन विशेषता है इसमें भाषा समिति में? हित, मित और प्रिय। मित का अर्थ होता है लिमिटेड, ज्यादा विस्तार ना करते हुए सीमित बोलना, मित वचन। तो हित मित प्रिय वचन बोलना भाषा समिति, वो सत्य महाव्रत से भिन्न है। समझ में आ रहा है? सत्य महाव्रत में क्या था? असत्य वचन का कृत कार्य अनुमोदना से जीवन पर्यंत के लिए त्याग। ठीक है। अब साधु के जीवन में तीसरी वस्तु क्या है? ये कौन से होंगे? दो हो, तीन हो। पहले सत्य महाव्रत था, दूसरा वचन गुप्ति, और तीसरे भाषा समिति, और चौथा क्या है? बता, बहुत सरल है। आज अब भी अपन ने जय बोली, क्या सत्य वचन, अपन ने जय किसकी बोली? सत्य वचन की जय, सत्य धर्म। ये चौथी श्रेणी।
अब इसमें क्या है, सत्य धर्म में एक अलग शर्त है साधु के लिए। वास्तव में ये जो 10 धर्म अपन मनाते हैं ना, इन क्षमा मार्ग आदि शब्दों को लेकर कुछ धार्मिक दृष्टांत और कुछ व्यावहारिक दृष्टांत सुन करके अपन ये पर्व मनाते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो साधु के ये जो 10 धर्म है, ये इनका उद्देश्य समझना बहुत आवश्यक है। इस उद्देश्य पर प्रायः वक्ता ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि व्याख्यान में, क्षमा के व्याख्यान में पूरा टाइम निकल जाता, तो फिर क्षमा का साधु के जीवन में क्षमा धर्म का उद्देश्य क्या होता है, ये बात छूट जाती है। तो आज इस बात को भी आप समझ लीजिए कि ये जो 10 धर्म है, इनके विषय में संवर के प्रकरण में आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज और अन्य टीकाकारों ने ये बात कही है, वो ये है कि सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्ष, क्या है सूत्र, ये सूत्र सगुप्त संवर जो होता है, संवर का मतलब है कि अपनी आत्मा में निरंतर पुण्य और पाप कर्मों का प्रवेश हो रहा है, उस प्रवेश का नाम है आश्रम। अब उसको रोकना हो तो पहले किसको रोकेंगे, पाप को या पुण्य को, पाप को। तो कैसे रोकेंगे, तो आचार्य कहते हैं सगुप्ति गुप्तियों से, समिति समितियों से, फिर धर्म धर्म से, अनुप्रेक्षा परीक्षण जय और चारित्र, इन 7 के माध्यम से अपन कर्मों के प्रवेश को रोकते हैं, उसका नाम है संवर। अब 7 में सबसे पहले क्या कहा, गुप्ति। गुप्ति का अर्थ होता है मन वचन काय को रोक देना, बिल्कुल स्टॉप, वचनों से कुछ बोलना नहीं, शरीर से हिलना डुलना नहीं, और मन से मन को एकदम स्थिर कर देना, शांत कर देना, अशुभ से बिल्कुल हटा लेना। पर ये काम बहुत कठिन है, गुप्ति में रहना अंतर मुहूर्त के बाद मुश्किल हो जाता है, गुप्ति में स्थिरता नहीं आ पाती, मन बहुत चंचल अस्थिर भटकता है। तो अब जब प्रवृत्ति की स्थिति आए तो क्या करना, तो बोले समिति। प्रवृत्ति करनी हो तो 5 प्रकार की प्रवृत्ति मनुष्य में पाई जाती है, साधु उन्हीं 5 प्रवृत्तियों को सावधानी से करते हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्ति का नाम है समिति। समिति का अर्थ यहां पर चतुर्मास समिति या युवा समिति या महिला समिति नहीं है, ये समिति का अर्थ होता है समीचीन प्रवृत्ति। एंड एक धातु है, गति के अर्थ में आती है, क्ति प्रत्यय लगाकर सम उपसर्ग जोड़ने पर समिति ये शब्द बनता है। पर समिति में कहीं दोष न आ जाए, समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म इत्युच्यते, ये बहुत जानकारी की बात है, जानने योग्य की बात है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सभा से भी लिखा है कि समितियों में प्रवृत्ति करने वाले जो साधु हैं, उनसे प्रमाद न हो जाए, इसलिए वो 10 धर्मों का पालन करते हैं। अब स्पष्ट हो गया ना कि 10 धर्म किस लिए हैं साधु के जीवन में, कि समितियों में अर्थात उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों में प्रमाद असावधानी लापरवाही न हो जाए, इसलिए 10 धर्म है। और 5 प्रकार की प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं, वो सभी लोग करते हैं, मनुष्य मात्र 5 प्रवृत्तियां करता है, साधु सावधानी से करते हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्ति का नाम समिति है। आपकी प्रवृत्तियां ये 3 है, साधु की प्रवृत्तियों में सम लगा दिया तो समिति बन गया, और बाकी सबकी प्रवृत्तियां क्या है, इति। इति भी प्रवृत्ति का ही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा में। तो देखिए कौन सी 5 प्रवृत्तियां, क्रिया। क्रिया का अर्थ क्या होता है, चलना फिरना, ठीक है। तो चलना फिरना कौन नहीं करता, सभी लोग करते हैं लगभग, जब तक कुर्सी पर ना बैठ जाए, व्हील चेयर में चलने की हालत ना रहे तब तक सब चलते फिरते, या फिर बिस्तर पर ना आ जाए तब तक चलते फिरते, तो ये क्रिया हो गई। फिर दूसरी प्रवृत्ति क्या है, बोलते हैं कि नहीं, सभी लोग बोलते हैं, चुप रहना मुश्किल, बोलना चालू ही रहता है दिन रात,
वैसे तो सामान्य नियम ही है कि रात में अपनी आवाज को दिन में जितनी आवाज होती है उससे कम रखना, पर फिर भी अब तो क्या है कि लाइट से दिन रात का कोई भेद नहीं है, जैसे दिन में चिल्लाते थे वैसे रात में भी चिल्लाते, पर उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे मुनि समिति से रहते हैं तो अपन इतना तो कर सकते हैं कि दिन में जितनी आवाज में बोलते हैं उससे कम आवाज में रात को बोले भाषा। फिर तीसरी स्थिति क्या है, एक्षण। अब एक्षणाघात भोजन प्रवृत्ति है। अब भोजन में क्या होता है, सभी लोग कुछ न कुछ खाते हैं, खाते समय अपक्ष का सेवन न करते हुए शास्त्रोक्त विधि से मर्यादा का भोजन लेना और 32 अंतरायों को टालकर 46 दोषों से रहित जो साधु आहार लेते हैं उसका नाम है एक्षण समिति, ठीक है। और चौथी क्या है, आदान निक्षेपण। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना, निक्षेपण का अर्थ होता है रखना, तो उठाना रखना तो चालू ही रहता हमेशा। अब भी आपने पूजा के द्रव्य रखे गए नहीं रखे, तो ये आदान निक्षेपण, इसमें साधु सावधानी बरतते हैं, इच्छी के साथ परिमार्जन करके सब कुछ करते हैं, इसलिए उनकी प्रवृत्ति को आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। और अंतिम है मल मूत्र का विसर्जन, होता ही है तो उसमें साधु सावधानी रखते हैं और जीव जंतुओं को बाधा न पहुंचाते हुए प्रवृत्ति करते हैं, वो उत्सर्ग समिति अथवा प्रतिष्ठापना समिति कहलाती है। तो अभी जो बात चल रही हुई है कि साधु के जीवन में चार भेद हैं सत्य के, एक तो सत्य महाव्रत, दूसरा वचन गुप्ति, तीसरी भाषा समिति और चौथा सत्य धर्म। अब सत्य धर्म में क्या अंतर है तो इसको ध्यान से सुनना। सत्य धर्म में साधु सबके साथ बातचीत नहीं करता, सत्सु तद्भक्तेषु वा, सज्जनों के प्रति अथवा साधुओं के भक्तों के प्रति, देवशास्त्र गुरु के भक्तों के प्रति अल्पम बहुवा ब्रूते, थोड़ा भी बोलते हैं कभी कभी अधिक भी बोल जाते हैं। भाषा समिति में अधिक बोलने की मनाही है, लेकिन सत्य धर्म में अधिक भी बोलते हैं। और मधुरम व कटुकम व, मधुर भी बोल सकते हैं कड़वा भी बोल सकते हैं सत्य धर्म में। कैसा लगा आपको सुनकर, आश्चर्य हुआ? सत्य धर्म में साधु को कड़वा बोलने की भी अनुमति है, पर किनके प्रति, अपने शिष्यों के प्रति, भक्तों के प्रति। कब, जब आवश्यकता पड़े तब। क्यों, क्योंकि कर्मोदय से कभी कभी भक्तों में और शिष्यों में ऐसी स्थिति बनती है कि जिसका परिमार्जन करना, जिसको सुधारना गुरु का कर्तव्य हो जाता है, साधु का फर्ज बन जाता है, तब साधु कठोर बनते हैं। आगे समझे, और आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि गुरु के कठोर वचन शिष्य के हृदय को विकसित करते हैं, दुखित नहीं करते। जिस प्रकार सूर्य की किरणें बाकी सबको तो तकलीफ देती है लेकिन कमलों को खिला देती है, विकसित कर देती है, उसी प्रकार शिष्य का हृदय भी गुरु की डांट रूपी सूर्य किरणों के लिए कमल है। गुरु यदि बहुत दिनों तक शिष्य को न डांटे तो फिर शिष्य चिंता में पड़ जाता है कि क्या बात हो गई, कहीं गुरु मुझसे नाराज तो नहीं होंगे, मुझे क्यों नहीं डांटते, मैं तो कितनी गलतियां करता हूं। तो गुरु की डांट को शिष्य और भक्त अपना सौभाग्य समझते हैं। कितनी विचित्र बात है, पर इसका मर्म आपको समझ में आ रहा होगा कि सही बात है, ये सत्य है कि गुरु की डांट से कल्याण होता है। 100 लोग प्रशंसा करें, 100 अज्ञानियों की प्रशंसा या 1,000,000,000 अज्ञानियों की प्रशंसा भी धूल के बराबर है
एक ज्ञानी की डांट के सामने, गुरु की डांट भी उन सब की प्रशंसा और स्तुतियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो डांट शिष्य का और भक्त का कल्याण करने वाली है, उसको सही रास्ते पर लाने वाली है। जैसे शिष्य से गुरु कह दे कि शास्त्र स्वाध्याय के समय या फिर धर्म सभा में ढंग से बैठ, ऐसे बोलते एक वचन में बोल दे कि ढंग से बैठ, तू बैठ तो जाएगा ढंग में और ढंग से, लेकिन अगर उसके मन में ये खलबली मचेगी इतने लोगों के सामने गुरु ने मुझसे ऐसा बोल दिया, तो ऐसा सोचना शिष्य का या भक्त का काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतने लोगों के सामने बोला, इसकी भक्त और शिष्य कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि गुरु और मेरे बीच का संबंध ही निराला है, ये भीड़ क्या करेगी बीच में, इस भीड़ का उस संबंध के बीच में कहीं कोई स्थान नहीं है। कितने भी लोगों के सामने बोला हो गुरु ने, लेकिन मेरी भलाई के लिए बोला है, गुरु कभी अहित नहीं करते। एक दृष्टांत आता है अजैनों में, बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है कि एक बार एक गुरु और शिष्य किसी वन में से जा रहे थे, और वन में से जब जा रहे थे तो मार्ग में विश्राम करने के लिए वृक्ष के नीचे रुके, और वृक्ष के नीचे जब रुके तो शिष्य को थकान ज्यादा थी, तो गुरु ने कहा कि हे वंश, तू चिंता मत कर, विश्राम कर ले, सो जा। और जब वो विश्राम करने लगा, पहले तो उसको संकोच हुआ कि गुरु जाग रहे हैं और मैं सो जाऊं, पर गुरु ने कहा कि चिंता मत कर, ऐसी परिस्थिति में तू सो जा। तो सो गया, और जैसे ही वो सोया तो फिर जंगलों की झाड़ियों में से भयंकर सांप, जहरीला सांप आ गया और फिर शिष्य की तरफ जाने लगा। तब गुरु ने कहा कि हे सर्पराज, ठहर, मेरे रहते हैं तो उस तरफ नहीं जा सकता, बोल तुझे क्या काम है, वहां क्यों जा रहा है। तो अब जो भी भाषा हो गुरु और उस प्राणी के बीच की, लेकिन उसका अभिप्राय गुरु को समझ में आ गया कि ये मेरा पूर्व भव का शत्रु है, मैं आज बदला चुका कर रहूंगा। तब गुरु ने उसको समझाया कि वैर बुरी चीज, पर यदि तुम इस समय इस उपदेश को ग्रहण करने की स्थिति में न हो तो क्या तुम कोई दूसरा मार्ग निकाल सकते हो, कि तुम इसको न काटो और तुम्हारा बदला भी चुक जाए। फिर गुरु शांतिपूर्वक उस सर्प की तरंगों को सुनने लगे, उस पर ध्यान देने लगे, तो उन तरंगों में से एक बात समझ में आई गुरु को कि यदि मुझे इसके गले का खून मिल जाए तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा, मैं इसको काटे बिना वापस चला जाऊंगा। गुरु ने विचार किया कि इसके गले का खून निकालने में तो इसके लिए प्राण संकट की स्थिति बन सकती है, क्या करूं। फिर भी गुरु ने सोचा कि इसमें जीवित रहना संभव है, लेकिन यदि सांप ने खुद उसके गले में काटा तो फिर इसकी जान चली जाएगी। शिष्य सोया हुआ है गहरे निद्रा में, गुरु उठे और उन्होंने कहीं से एक कांटा उठाया और गुरु के शिष्य के पास आकर देखा कि ये जाग तो नहीं रहा है, या इसकी नींद फीकी तो नहीं हो गई, गहरी नींद में है ना, गहरी नींद में ही दिखा। और उस कांटे से शिष्य के गले पर
ऐसे छुपा करके एकदम चीरा लगा दिया, एकदम खून की धार बहने लगी और वो खून सांप अपने मुंह में लेकर के संतुष्ट हो गया और वापस चला गया। पर गुरु को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक जागा क्यों नहीं, इतना खतरनाक चीरा लगने के बाद भी, इतना खून निकलने के बाद भी जागा क्यों नहीं। तो फिर गुरु ने उसके सिर पर एक ऐसे थपकी लगाई तो वो भी एकदम ऐसे आंख खोल करके बोल रहा है, गुरु गुरु जी मैं जागृत हूं, मैं सोया नहीं। तो अब गुरु को और आश्चर्य हुआ, बोले कि तुझे सब पता है यहां क्या हुआ था। बोले सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना पता है कि आपने कांटे से मेरे गले को चीरा लिया। तो बोले तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि मैं तुम्हारे गले को कांटे से चीर रहा हूं? बिल्कुल नहीं गुरुवर। क्यों? बोले कोई ना कोई कारण होगा, गुरु जो कुछ करते हैं वो किसी न किसी कारण से करते हैं, और वो कारण मेरा हृदय कहता है कि कभी भी कोई अशुभ कारण नहीं होता, वो शिष्य की भलाई के लिए ही कुछ करते हैं। तो बोले तुझे पता है एक सर्प आया था तेरा पूर्व जन्म का बैरी, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उससे कहा कि मेरे रहते तू मेरे शिष्य को नहीं काट सकता, कोई और रास्ता हो तो वो निकाला जा सकता है। तब सर्प ने तेरे गले का रक्त मांगा और फिर मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि तेरी एक बूंद भी खून निकले तेरे शरीर से, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे खेद है। पर आश्चर्य की बात है कि तुझे पता था कि मैं तेरे गले को काट रहा हूं कांटे से, फिर भी तूने उफ तक नहीं करी। क्या उस समय तेरे मन में और क्या विचार थे? तब उस शिष्य ने अंतिम उत्तर ये दिया कि मेरे अंदर ये भाव था कि गुरु यदि किसी परिस्थिति में शिष्य की जान भी ले ले तो भी शिष्य का भला ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। ये एक दृष्टांत आता है, जैनों में प्रसिद्ध है, पर इसमें गुरु की महिमा को बताया गया, गुरु की श्रद्धा को भी बताया, शिष्य के हृदय में कैसी श्रद्धा होती। तो गुरु की डांट से शिष्य का हृदय खिल उठता है, भक्त का हृदय खिल उठता है, और जो मान कषाय वाला होगा वो कुछ अलग प्रकार के विचार ला सकता है। अब सत्य या असत्य के चार अर्थ समझ लीजिए। पहला अर्थ यह है न सत इति असत तस्य भावः असत्यम्, जो है उसको मेट देना, जो है उसको मना करना, वो एक प्रकार का असत्य है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से कॉल आता है, फोन की घंटी बजती है और फिर अंदाज लगाता है मनुष्य की फलाना व्यक्ति होगा, तो अपनी वाइफ से या अपने बच्चों से कहता है कि अगर वो हो तो कह देना कि घर पर नहीं है। होता है ऐसा? ये एक साधारण बात है, पर कभी बाहर से, घर के बाहर से कोई कॉल बेल बजाता है, घंटी बजाता है, और इधर से अंदर से वो जो छोटा सा कांच रहता है दरवाजे में, उसमें से ऐसे देख लेता, अरे वो आ गया, तो अंदर चला जाता है रूम में, उसे बोलता है बच्चे से कि बोल देना कि घर पर नहीं है पापा। तो बच्चा खोल करके बोल देता है कि पापा कह रहे हैं कि घर पर नहीं है पापा। बच्चा तो बोला वाला है, फिर बाद में उसको जब डांट पड़ती है तब वो ट्रेन हो जाता है कि नहीं अब ये नहीं बोलना मुझे कि पापा कह रहे हैं, सिर्फ इतना ही कहना है कि पापा घर पर नहीं है। तो होते हुए भी मना करना, ये प्रथम असत्य है। दूसरा असत्य क्या है? कोई चीज न हो उसको कहना। असत का कथन करना
जो चीज नहीं है वो कहना, जैसे जैसे माँ बच्चे को डराने के लिए कहती है ऊपर छत पर बहुत दम 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 करता आवाज करता है, बोले कि देखा अंधेरा हो रहा है, अब भूत का टाइम हो गया है, चल आ जा नीचे, ऊपर भूत है। बच्चा नीचे आ जाता है, फिर खेलने की इच्छा होती, बोले नहीं नहीं अभी तो भूत है, अंधेरा हो गया। तो वहां पर भूत है या नहीं ये सब जानते हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ उसको बच्चे को डराने के लिए माँ बोल रही है। तो जो नहीं है उसको कहना दूसरा असत्य, और तीसरा असत्य क्या है कि कुछ है तो सही, अब वहां भूत है, वहां तो कुछ भी नहीं था, फिर भी कह रहे हैं कि कुछ है। लेकिन तीसरा असत्य यह है कि किसी चीज को किसी और के रूप में कहना, है जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी उसको कुछ और बताना, जो है उसको अन्यथा बोलना, वो तीसरा असत्य है। जैसे उदाहरण के लिए कोई पेन है, आप बेच रहे हैं दुकान पर, और सामने वाला पूछता है कि फॉरेन वाला पेन मिलेगा क्या, विदेश वाला, तो फिर आप वही इंडिया वाला पेन उसको दिखाकर, उसके आजू बाजू सब देख करके, फिर अंदर से एक स्टिकर चिपका करके बोलते कि हाँ ये है फॉरेन वाला पेन, स्टिकर पर क्या लिखा था, मेड इन जापान। तो ये क्या हो गया, सत्य है कि असत्य, असत्य। कौन सा भेद हुआ असत्य का, तीसरा, कि कुछ है जरूर, पेन जरूर है, लेकिन वो अधूरा सच, पेन है लेकिन जापान का नहीं है, इसलिए वो एक तीसरी श्रेणी का असत्य है। और चौथा जो असत्य है वो है न सत इति असत, तस्य अभिधानम असत्याभिधानम असदाभिधानम। मतलब ये हुआ कि सत का एक अर्थ ऐसा भी होता है अच्छा भला, जैसे उदाहरण के लिए सज्जन कहते हैं ना, सज्जन का अर्थ क्या होता है, भला आदमी। तो सत वचन का अर्थ होता है भले वचन, पर असत्य वचन का अर्थ हो गया वहां पर खराब बोलना, गालियां बोलना, कठोर वचन बोलना, निंदा करना, इस प्रकार के जो अशुभ वचन है, खराब वचन है, वो चौथे प्रकार का असत्य है। अब एक बार अपन दोहरा लें, पहला असत्य क्या था, याद करो, आप लोग थक तो नहीं गए, आज थोड़ा सा शुरू में हमने थ्योरी का विषय ज्यादा ले लिया, प्रैक्टिकल की बात कम की, और पहला हो गया जो है उसको मना करना कि नहीं है, दूसरा जो नहीं है उसको बोलना, तीसरा जो है उसको बदल कर बोलना, और चौथा खराब बोलना। ये चार प्रकार के असत्य होते हैं। अब सत्य धर्म में साधु कठोर भी बोलते हैं, धर्म के वचन बोलते हैं, और धार्मिकों के प्रति बोलते हैं, सबके साथ बात नहीं करते सत्य धर्म में। जैसे अभी ये जो उपदेश चल रहा है, ये सत्य धर्म का ही एक दृष्टांत हो गया, इस प्रकार से उपदेश करना और इसमें कभी कठोर कभी नरम सब प्रकार के वचन बोलना, ये सब सत्य धर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन कठोर में ऐसा नहीं है कि साधु अपनी मर्यादा तोड़ दें, कठोर बोलते हुए भी साधु किसी को गाली नहीं दे सकते, साधु कभी ऐसे हल्के निंदनीय वचन नहीं बोलते जो उनकी पदवी के विरुद्ध। जैसे राजा है, राजा कभी अपशब्द नहीं बोलता, ये नियम है। राजा का ये नियम होता है, उसकी शपथ होती है कि मैं जीवन में कभी अपशब्द नहीं बोलूंगा, और राजा को यदि क्रोध आ जाए उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो नहीं, राजा को क्रोध कितना भी क्यों ना आ जाए उसके मुंह से अपशब्द नहीं निकलेंगे, उसके बयान से तलवार जरूर निकल जाएगी लेकिन मुंह से अपशब्द नहीं निकल सकते। तो इस तरह ये सत्य धर्म की एक जानकारी थी। अब सत्य का प्रभाव देखिए,
दशलक्षण पूजा में बस झूठ से ही नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। नारद और वसु की जो कथा आती है, पर्वत नारद वसु की, बहुत प्राचीन कथा है। और भगवान राम से भी पहले वो एक घटना घटी जिस वजह से वैसे एक प्रवृत्ति चल गई थी अजय अष्टभग्न वाली। तो उस समय की जो कथा, उस समय वसु ने असत्य का समर्थन किया और उसके परिणाम स्वरूप उसका सिंहासन जमीन में धस गया, धरती फट गई। और उस असत्य के कारण उस सतयुग में नदियां उल्टी बहने लग गई, रक्त की वर्षा प्रारंभ हो गई और भूकंप आ गया और पृथ्वी फट जाने के कारण उसका सिंहासन अंदर धस गया और मरकर राजा वसु सप्तम पृथ्वी में नरकवासी बन गया झूठ बोलने के कारण। और ऐसे समय पर उसने झूठ बोला जहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता थी, पूरी परंपरा उसने दूषित कर दिया हिंसा की, इस कारण उसको सप्तम पृथ्वी में नरकवासी बनना पड़ा। ऐसे और भी दृष्टांत आते हैं, लेकिन उन दृष्टांतों में एक दृष्टांत बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला दृष्टांत आता है, जो कि सीता जी के जीवन की घटना के रूप में आता है। सीता जी सती थी, सत का ही स्त्रीलिंग सती है, यानी जिसके अंदर कोई खोट ना हो वो सती। और इतनी महान सती थी कि उत्तर पुराण ग्रंथ में जो जैन रामायण है उसमें ये स्पष्ट उल्लेख है, आचार्य गुणवत्ता स्वामी ने लिखा है कि जब रावण जैसे महापराक्रमी त्रिखंड स्वामी नारायण के शत्रु प्रति नारायण ने सीता जी का हरण किया, तब उसने सीता जी का स्पर्श नहीं किया। ये जानने योग्य की बात है, इससे फिल्मों में और फिर इसमें दिखाते हैं ना कि सीता को ऐसे हाथ से पकड़ करके विमान में जबरदस्ती ले गया रावण, लेकिन नहीं, उत्तर पुराण में ऐसा लिखा है कि उसने सीता जी का स्पर्श इसलिए नहीं किया कि वो जानता था कि सती के स्पर्श से मेरी आकाशगामिनी विद्या नष्ट हो जाएगी, फिर मैं विद्याधर पंख कटे हुए पक्षी की स्थिति को प्राप्त कर लूंगी। तो उसने विद्या बल से अपनी माया से सीता को पुष्पक विमान पर लाकर फिर उसका पूरे मार्ग में भी स्पर्श नहीं किया, बस विद्या बल से उसने सीता को अपने वश में करके सीता जी का हरण किया। वश में का तात्पर्य ऐसा मत समझना कि सीता के मन को उसने अपने वश में किया, मन तो किसी के वश में नहीं होता सती, वो तो सिर्फ पति के लिए समर्पित होता है। लेकिन उसने सीता जी का हरण जो किया उस समय सीता जी उससे छूट नहीं पाई, बस इतना उसका प्रभाव था वार रावण का विद्याओं के बल से। और जब रावण स्वयं सीता जी का स्पर्श इस डर से नहीं कर रहा था कि सती के स्पर्श से मेरी विद्या नष्ट हो जाएगी, तो सीता कितनी पवित्र होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और जब राम रावण युद्ध हुआ और रावण पराभूत हो गया, श्री राम विजयी हुए, तब सीता जी को श्री राम ने वापस स्वीकार किया देवों की साक्षी में। और अन्य मतों में उस समय अग्नि प्रवेश के बाद सीता जी को श्री राम ने स्वीकार किया। वैसे अग्नि परीक्षा के तीन वर्णन आते हैं शास्त्रों में, एक अग्नि परीक्षा तो ऐसी थी कि जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तो सारी लंका जल गई, लेकिन जिस अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान थी वहां पर उस आग ने प्रवेश भी नहीं किया। लंका जलाने के बाद हनुमान जी को चिंता हुई कि सीता माता का क्या होगा इस अग्नि में,
और जब उस तरफ गए अशोक वाटिका की तरफ तो देखा कि यहां तो अग्नि का प्रवेश ही नहीं हुआ है। एक और महल था जो उस अग्नि की ज्वालाओं में सुरक्षित रह गया था, वो महल था विभीषण का। बाकी सब जगह लंका में अग्नि ने अपना असर दिखाया था, तो उस अग्नि में भी सीता जी की परीक्षा हो चुकी थी कि वो अग्नि वहां प्रवेश भी नहीं कर सकती थी जहां सीता जी विराजमान थे। और फिर एक अग्नि की बात तो वही आती कि जब रावण के यहां से सीता जी को राम स्वीकार करते हैं तो अग्नि में से उनको निकलना पड़ता है। और फिर एक और अग्नि परीक्षा का वर्णन आता है जो पद्म पुराण और पौंचरीय आदि पुरानी रामायण में, जिनका उल्लेख पौंचरीय का उल्लेख तो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के मंगलाचरण में किया। जे प्राकृत कवि महासयानी ते सब हरि चारित्र बखानी, जे प्राकृत कवि महासयाने तिन सब हरि चारित्र बखाना। अर्थात हजारों वर्ष पहले, लगभग 1000 वर्ष से तो बहुत पहले की बात है, सदियां बीत चुकी हैं, पौंचरीय नाम का एक प्राकृत ग्रंथ विमल सूरी द्वारा रचा हुआ है, उसमें प्राकृत भाषा में जैन रामायण का विवरण है। उसका स्मरण बड़े बहुमान के साथ तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के प्रारंभिक प्रकरण में, मंगलाचरण के प्रकरण में किया है। तो उसमें एक तीसरी अग्नि परीक्षा की भी चर्चा आती है। तीसरी माने वहां पर तो एक ही परीक्षा हुई है उस ग्रंथ में, लेकिन जैसे ये वर्णन आता ना उत्तर पुराण महाज्वाल विद्या से हनुमान ने लंका को जलाया, अन्य मतों में वानर विद्या से वानर का रूप वगैरह बनाकर पूछ से आग लगाने पर लंका को चलाया था, और आज भी विराट नगर में हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो सुंदर मानव रूप में प्रतिमा है, उसमें वानर रूप में प्रतिमा नहीं है। और वो हिंदू संप्रदाय का एक बड़ा तीर्थ है, हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है जो बिल्कुल शुद्ध, जैसा वर्णन पौंचरीय आदि में आता है हनुमान के स्वरूप का, वैसा ही वर्णन, वैसा ही आकार वहां पर विराटनगर राजस्थान में जिनको भी देखना हो देख सकते हैं। तो उस समय जब राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी अयोध्या में, तभी एक बार सीता जी की दाहिनी आंख फड़कने लगी। उस समय वो गर्भवती हो चुकी थी, और नारी की दाहिनी आंख यदि अंदर से फड़क जाए तो वो भयंकर अपशकुन माना जाता है। पुरुष की बाईं आंख अंदर से, ये पलकों की बात नहीं चल रही है, आंख फड़कना अशुभ होता है। तो सीता जी की दाहिनी आंख फड़की, उसने अपनी सखियों से कहा कि मेरी दाहिनी आंख फड़क रही और कोई संकट की सूचना है। सखी बोलती है, हे महारानी, जिसके स्वामी श्री राम हो, संकट उसके पास स्वप्न में भी कैसे आ सकता है? आप इस व्यर्थ की चिंता को छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला। पर यदि आपको शंका हो ही रही हो तो शांति का कर्म करो, भगवान का अभिषेक, किमिच्छक दान और जिनेंद्र भगवान की बड़ी बड़ी पूजाएं, तब जब ये सब शांति कर्म करो, इससे पाप कटते हैं और अशुभ का निवारण होता है। पर कभी कभी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो पत्थर की रेखा के समान कठोर होते हैं, उनको काट पाना किसी के बस की बात नहीं। तो हुआ ऐसा, सीता जी शांति कर्म कर रही थी और श्री राम सभा भवन में आकर सिंहासन पर विराजमान हुए, और तब आकर के लोगों ने बहुत संकोच पूर्वक श्री राम द्वारा अभयदान दिए जाने पर कि नहीं तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तुम्हें जो कहना हो खुल करके कहो, तब जाकर के लोगों ने कहा कि हे अयोध्या नरेश, प्रजा आपका गुणगान करती है,
और सब प्रकार से आपको श्रेष्ठ स्वीकार करती है, किंतु श्री राम बोलते हैं कि किंतु क्या, रावण पर आपने विजय प्राप्त की, कुंभकर्ण को जीता और बड़े बड़े पराक्रम आपने किए, उन सब के लिए प्रजा आपके प्रति सम्मान का भाव धारण करती है, लेकिन क्या बताया, बोलते समय हमारी जीवा कट क्यों नहीं जाती, हमें बहुत संकोच हो रहा है, पर आपका आदेश है। सिर्फ एक ऐसी बात है जिसके कारण प्रजा में लोकापवाद की स्थिति बन रही है। श्री राम की धड़कन तेज हुई और पूछे कि क्या कारण है, तब उन्होंने कहा कि चिरकाल तक रावण की लंका में रहकर आई सीता जी को आपने कैसे स्वीकार कर लिया। इस बात को लेकर प्रजा में बड़ा अपवाद है, प्रजा में अनेक शंकाएं हैं। प्रजा में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रावण के यहां से सीता सुरक्षित कैसे आ सकती वापस, असंभव। सीता जी की शुद्धता पर प्रजा को विश्वास नहीं है, इसलिए हे नाथ आप जो उचित हो सो करिए और हमें क्षमा कीजिए। तो जिन्होंने फरियाद की थी उनको तो श्री राम ने विदा कर दिया, अभयदान दे चुके थे पहले से, क्षमा कर दिया, निकाल अलग कर दिया वहां से, लेकिन स्वयं चिंता के घोर समुद्र में डूब गए कि अब मैं क्या करूं। रघुवंश पर कलंक की स्थिति बन गई। तब उन्होंने फिर निर्णय एक ही किया कि सीता का परित्याग ही इस समय प्रजा के हित में होगा। और उस समय सीता की जो स्थिति थी, सीता गर्भवती थी, लगभग 8 महीने से अधिक समय निकल चुका था गर्भ का, और उस अवस्था में सीता को दोहला भी हुआ था। बच्चे जब गर्भ में होते हैं तो मां को इच्छाएं होती है कई प्रकार की, सीता की इच्छा हुई थी तीर्थ वंदना आदि की। तो फिर ऐसा होता है कि आधी रात को एक रथ सीता जी के महल के सामने रुकता है और सीता जी के पास संदेश जाता है कि आपको चलना है, श्री राम ने ये रथ भिजवाया है। सीता जी ने कहा कि मैं स्वामी से मिल तो दूं एक बार, जब मिलने गई तो फिर नहीं मिले, श्री राम नहीं मिले। तब फिर उन्होंने सोचा कि अब तो राजा बन गए हैं तो प्रजा में बहुत व्यस्त हो गए हैं, कोई बात नहीं, कितना मेरा ख्याल रखते हैं, कि आधी रात को मेरी इच्छा पूरी कर। और फिर उस रथ पर सवार होकर जब सीता जाने लगी, उनकी सखियां भी साथ चलने लगी, तब फिर एक आदेश और मिला कि आपको अकेले ही चलना है। सीता जी नहीं जानती थी कि अकेले चलने का कितना भयंकर भविष्य है। भोले मन से श्री राम का उपकार मानते हुए वो रथ पर आरूढ़ हो गई और वहां से सरलतापूर्वक उन्होंने अयोध्या से प्रस्थान किया। राम अपने महल की खिड़की में से देख रहे थे और फिर अपने हृदय को पत्थर बना करके उस घटना को सह रहे थे। सीता की पवित्रता पर राम को रंच मात्र भी शंका नहीं थी, क्योंकि जब राम रावण युद्ध के पश्चात राम और सीता का मिलन हुआ था तब देवताओं ने जो पुष्प वृष्टि की थी वही इस बात का सूचक था और पर्याप्त संकेत था कि सीता जी निर्दोष है, पवित्र है, सती है। अब घंटी बज गई तो क्या करें, बताइए आप जो कहो वैसा आगे किया जाए, थोड़ा और ले लें।
आपको देर हो जाएगी है ना। पूजा तीन प्रकार की, ये पूरी कर रहे तो सीता जी तो बड़ी प्रसन्नता से चली जा रही थी, और फिर रास्ते में जितने तीर्थ आ रहे थे उन सबको छोड़कर रथ तो बड़े वेग से आगे बढ़ता चला जा रहा था। जब अयोध्या से 60 योजन दूर जाकर रथ रुका, सीता जी तो बीच में विचार कर रही थी कि संभव है सबसे पहले तीर्थराज की वंदना कराए मेरे स्वामी और बाद में छोटे तीर्थों की वंदना कराए, इसीलिए रथ कहीं रुक नहीं रहा है। लेकिन जब उस जंगल में जाकर के रथ रुका, तब सीता जी बार बार प्रशंसा कर रही थी अपने स्वामी की। तब रथवाहक ने कहा कि माता, जैसा आप समझ रही है वैसा नहीं है। सीता जी बोलते हैं कि तुम इतने उदास क्यों हो, ये तो प्रसन्नता की घड़ी है, मैं तीर्थ वंदना के लिए निकली हूं। और अभी कुछ समय बाद मेरे संतान होने वाली है। तब रथवाहक कहता है कि माता, बात कुछ और है। ये रथ आपको तीर्थ वंदना कराने के लिए नहीं है। सीता जी होती है, क्यों? कहता है माता, अयोध्या में रावण के यहां से आने के कारण लोग आपकी निंदा करते हैं। सीता जी मुस्कुरा करके बोलती है कि लोग तो निंदा करते हैं, उसमें क्या बात हुई, इस कारण से तुम दुखी हो रहे हो? तब वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस कारण से दुखी हूं। बिल्कुल गला भराता उसका। अयोध्याधिपति श्री राम ने आपको सती जानते हुए भी लोकापवाद के कारण त्याग दिया है और मुझे आदेश दिया है कि यहां छोड़ करके वापस तत्काल लौटूं। बिल्कुल रोने लग जाता, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते। कभी ऐसा कोई धीर वीर इस तरह से नहीं बिलखता जिस तरह से वो बिलख रहा था। सीता जी जैसे ही सुनती है कि श्री राम ने मेरा त्याग कर दिया है, धरती पर गिर पड़ती है। अब सारथी विचार करता है कि मैं इस अवस्था में छोड़कर वापस चला जाऊं, श्री राम का तो आदेश है कि तत्काल वापस, पर नहीं। माता यदि कुछ कहेंगी, कोई संदेश देंगी, तो वो लेकर मैं वापस जाऊंगा। कुछ समय पश्चात सीता जी को होश आता है, तब वो क्या कहती है उसका चित्रण एक कविता में करने का हमने प्रयास किया। ओनहार हो के रहे टाल सके ना को, मां बनने वाली सती बिहड़ वन में रोए, हाय सीता रोए, हाय सीता रोए, हाय सीता रोए, हाय सीता रोए। मेरा यह संदेशा जाकर स्वामी से कहना, मुझे छोड़कर भी हे राघव आप सुखी रहना। मैं तो तेरी एक भागन कर्मों की मारी, इसी
दीनी तो मुझ पर आई विपदाए भारी। हाय सीता रोए हाय सीता रोए हाय सीता रोए हाय सीता रोए। बालपन से मैंने अब तक जग में यह देखा अपने कर्मों की होती है बड़ी अमित रेखा। पिछले किसी जन्म में मैंने हिंसा की होगी विरह कराया या विरह कराया होगा या गुरु निंदा की होगी। हाय सीता रोए हाय सीता रोए हाय सीता रोए हाय सीता रोए। पाप उदय में कौन जगत में राखन हारा है। मात पिता पति भैया देवर कौन सहारा है। मर्यादा के लिए आपने मुझे निकाला है। अपवादों में सत्य न तजना जो रखवाला है। हाय सीता रोए हाय सीता रोए हाय सीता रोए हाय सीता रोए। मेरे कारण सूर्यवंश पर यह कलंक लागा। पति ने नहीं पर नृपति आपने सीता को त्यागा। मन में कोई खेद न लाना और न मुरझाना। हो पाए तो मेरे स्वामी मुझे भूल जाना। हाय सीता रोए हाय सीता रोए हाय सीता रोए हाय सीता रोए। हे पुरुषोत्तम पिता शरीके आप राज करना। मुझसे जो अपराध हुए हो आप क्षमा धरना। विरह मिलन का एक योग तो मैंने है भोगा। जाने कौन कहाँ स्वामी पुनर्मिलन होगा। हाय सीता रोए हाय सीता रोए हाय सीता रोए हाय सीता रोए। इतना कहकर गिर पड़ी सीता अति अकुलार। लाने वाला चल दिया दुख में कौन सहाय। इसके बाद उत्तर रामायण में सीता जी को दो पुत्र प्राप्त होते हैं और वो अयोध्या की सेना पर विजय प्राप्त करके अंत में श्री राम के साथ युद्ध जब करते हैं तब सत्य प्रकट हो जाता है और पता चलता है कि ये महासती सीता के वीर पुत्र लव और कुश। और उस समय फिर पौन चरियों की जो रामायण है
जो शताब्दियों पुरानी है उसमें ऐसा उल्लेख है कि सीता की अग्नि परीक्षा वहां पर भी होती है। तब जब सीता अग्नि में प्रवेश करती है तब महासती के प्रभाव से, सत्य के प्रभाव से वो अग्नि जल बन जाती है। बोलो उत्तम सत्य धर्म। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। जावाणी के जाने